भाई साहब, समथिंग इज वेरी वेरी फिजी, क्योंकि कुछ तो ऐसा तैयार हो रहा है जो बहुत धमाकेदार हो सकता है, लेकिन उतना ही टट्टी भी हो सकता है, क्योंकि फॉर मोर शॉर्ट्स और थैंक यू फॉर कमिंग जैसे कंटेंट हम पहले ही देख कर आ चुके हैं, और कुछ वैसा ही ये खिचड़ी दोबारा से पकती नजर आ रही है। लेकिन 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 ट्रस्ट सिर्फ धमाकेदार के ऊपर जा रहा है फिलहाल तो, क्योंकि कास्ट जो है ट्रस्टेबल है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो दिमाग की माँ भी कर रही है। वैसा क्रू मूवी का टीजर आ चुका है, जिसके मेन लीड पर तबू, करीना कपूर खान और कृति सनन देखने को मिल रही हैं। साथ में भाई दो नाम और जुड़ते नजर आए हैं, कौन? कपिल शर्मा और दिलजीत दोसांझ। तो अभी पूरे टीजर को रिव्यू करेंगे कि आखिर हमें मिलने क्या वाला है मूवी में, और ये मूवी कब आने वाली है, और क्या इसका टीजर आग फाड़ के गया है ऑनेस्टली। उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। फेमिनिज्म को अगेन बूस्ट करने के लिए एक और क्रू आ चुका है, जिसका नाम ही क्रू है, जो बिल्कुल भी डार्क ह्यूमर को सपोर्ट कर रहा है टीजर में, जिसकी डायलॉग बाजी कड़क और गर्मा गर्म है, लाइक देवियों और हरामियों, एंड दूसरा एक चीटी ही काफी है हाथी की मारने के लिए, और यहां तो तीन चीटी है। तो ऐसा मूवी का जेनर होने वाला है फुल फन ड्रामा कॉमेडी, जिसमें थ्री बैडेस एयर हॉस्टेस हैं, जो सेम अपनी डेली लाइफ रूटीन से हो चुकी हैं फ्रस्ट्रेटेड एंड बोर। अब इन्हें अपनी लाइफ में चाहिए कुछ ट्विस्ट, कुछ नया, और यहां से पूरी ही मूवी इनके आसपास इर्द गिर्द घूमती रहेगी, और यही पूरी मूवी में हमें मिलने वाला है। दूसरा, कॉमेडी का लेवल क्या होने वाला है, वो कास्ट से ट्रस्ट तो बन रहा है, क्योंकि तबू है, करीना कपूर खान है, कृति सनन है, और साथ में कपिल शर्मा और दिलजीत दोसांझ भी हैं, लेकिन इनका उतना ज्यादा रोल दिखाया नहीं है। तो एज कैमियो है या फुल रोल है भाई, ये अभी फिलहाल समझ में नहीं आया है, लेकिन इनका होने से ट्रस्ट ये बन रहा है कि भाई साहब कॉमेडी का लेवल फाड़ होगा। लेकिन कहानी वहां खराब होगी जहां पर फेमिनिज्म को सपोर्ट करने के लिए मर्द जात की धज्जियां उड़ाई जाएगी एक नहीं बार बार। दूसरा, टीजर के हिसाब से जो पंचलाइन इसमें इस्तेमाल करी जा रही है भाई, वो उतना तो प्रॉमिसिंग नहीं लग रही है जो प्रॉमिस करके जाए कि भाई आगे क्या मिलने वाला है। बाकी सबसे बड़ा पिटफॉल तो ये है कि भाई साहब इन्होंने टीजर में ही पूरी कहानी दिखा डाली है कि आखिर मूवी में हमें क्या मिलने वाला है। दूसरा, अभी इनको ट्रेलर भी रिलीज करना है और टीजर में ही इन्होंने मोटा मोटा सब कुछ दिखा ही दिया है, लाइक एक वो मोमेंट जिसे हम कह सकते थे की मोमेंट, जहां से मूवी पूरा टर्न कर जाएगी, स्टोरी पूरा टर्न कर जाएगी, वो गोल्ड का मिलना, मतलब गोल्ड का खजाना मिलने वाला सीन, और उसे भी इन्होंने टीजर में ही दिखा दिया। तो अभी तो ट्रेलर आना बाकी है, देन उसके बाद पूरी मूवी बाकी है, और यहीं से हमें पूरा मोटा मोटा पता लग गया है कि आखिर मूवी में क्या होने वाला है। इनकी फ्रस्ट्रेटेड लाइफ है, ये अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट लेंगी और चिल आउट करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगी, जो एक बार के लिए अल्फा मेल वाली जो सिचुएशन होती है उसको मैचअप करने की कोशिश करेंगी, और उसको मैचअप करने के लिए ये वो हर हद पार करेंगी जो एक बार के लिए अटपटी भी लगते नजर आएंगी। तो बाकी देखते हैं भाई साहब, ट्रेलर का इंतजार करते हैं और अभी हमें क्या मिल सकता है। दूसरा, मूवी तो हमें 29 मार्च को देखने को मिली जाएगी, तो वेट करते हैं। आपने इसका टीजर देख लिया तो आपको कैसा लगा? बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर, नीचे कमेंट में सर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।